अप्रूव हो गया भाई मेरा तो। आज है 21 जनवरी 2023। पिछले 3 हफ्तों से दिमाग में सिर्फ प्लानिंग चल रही है, कब, क्यों, कहां, कैसे, यही चल रहा है बस। लेकिन आज है मेरी फ्लाइट और मैं जा रहा हूं जापान 15 दिन की ट्रिप पे। बहुत टाइम से प्लान था। Baby, 2 घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा बस। बहुत नर्वस हूँ और अभी वेल बैकआउट करने का तो कोई प्लान है नहीं भाई। मैं तो इस टाइम स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, जंप मार चुका हूँ, बस लैंड होना है, हवा में हूँ। ये मेरी लाइफ की दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप है और पहली सोलो ट्रिप जहाँ पे मैं सब कुछ खुद मैनेज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम 3 साल पहले 2019 में, 4 साल हो गए, अमेरिका गया था, लेकिन वो सब मैनेज था, टेंशन नहीं थी, बस जाना आना था। इस वाले में सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो या अलग ही फील है, नर्वसनेस है, लेकिन एक्साइटमेंट, आई एम सुपर हाइप्ड राइट नाउ भाई। ये देखो, ये नहा ही नहीं है, बस ये टांग उठा लिया अगर तू, क्या इससे अब 15 दिनों बाद मिलेंगे हमें ना भाई। मैं सुपर प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन वही है ना, जब तक ऑफिशियली एंटर नहीं कर जाऊँगा ना कंट्री में, तब तक ये नर्वसनेस रहेगी। चलो भाई, मैं तो चल रहा हूँ, कैब आ रही है मेरी, 11 की फ्लाइट है, मैं 7 बजे के आसपास ही निकल रहा हूँ, 4 घंटे पहले सेफ साइड रहने के लिए। भाई सब पसीने देख रहे हो तुम लोग, फुल दौड़ दाड़ के आए हो, इतना दूर है ये गेट, 13 है मेरा, 1 से ऐसे पूरा गोल चक्कर, फुल मैराथन दौड़वा दी भाई, बहुत लेट हो गया मैं दिल्ली जाम के चक्कर में भाई। वो तो एक्सक्यूज़ मी करते हुए आ गया भाई, लाइन बंद कर दी इन्होंने, बहुत क्लोज। ये क्या हो रहा है, एडवेंचर पे जा रहा हूँ मैं, क्या हो क्या रहा है, बट एनीवेज अब बस बोर्डिंग कर रहा हूँ, लेट्स गो टोक्यो। ये भी चीज़ याद रहेगी भाई, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टाइम में अंदर आए हैं। अभी जाके थोड़े पसीने साफ हुए, दुनिया भर का मैराथन दौड़ा हूँ भाई मैं। क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस है, ये लिया है मैंने ऑरेंज जूस और ये पीनट्स, वो देखो वो वहाँ पे टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, मेरा ये डब्बा चल ही नहीं रहा है, नथिंग। मेरे को भी टॉम एंड जेरी देखना है भाई। भाई पहुंच चुके हैं जापान, 7.5 घंटे ओवरनाइट फ्लाइट, इकोनॉमी से आना वॉज अ बैड आइडिया, थक चुका हूँ फिजिकली मेंटली, जापान में बहुत ठंड हो रही है, 2 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। वेल फाइनली पहुंच गए भाई, खाना तो ऐसा ही था, दही और वो थी अपनी ये रसमलाई, उसने बचा लिया थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट ठीक था, कपकेक वगैरह था, पर मैंने खाया नहीं मेरी मोशन सिकनेस की वजह से, थक गया हूँ मैं, अभी तो और ट्रैवल करना है, होटल तक जाना है भाई। ओके भाई, कस्टम वगैरह से तो निकल गया। सही बताऊँ, बेशक तुम्हें बेसिक जापानीज आती है, बट स्टिल जब तुम इस माहौल में रहोगे ना, बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, वही हो रहा मेरे साथ। मेरे पास मास्क भी नहीं है, यहाँ पे लिटरली सारे मास्क पहन रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया भाई, मैं लेके आया था, गायब हो गया वो, अब मेरे को खरीदना पड़ेगा। 15 दिन की ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, अब बस मेरे को एग्जिट करना है और होटल पर जाना है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आते हैं, मनी। भाई मजाक नहीं करूँगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जिस एटीएम मशीन को मैंने वीडियोस में देखा था वैसा तो वो दिखता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को किसी ने हेल्प कर दी, कैश तो मिल गया, अब मेरे को चाहिए एक स्विग का कार्ड, पहले वो लाते हैं। भाई स्विग का कार्ड तो परचेज़ कर लिया, अभी मैं फैमिली मार्ट में हूँ, मास्क देख रहा हूँ, मास्क तो बहुत सारे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, सब कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है, 400 ये समझ में आ रहा है। स्विग का कार्ड, ओके, स्विग का कार्ड से मेरी पहली परचेज, अरिगातो गोज़ाइमस, परफेक्शन। एक सेकंड रुको यार, थोड़ा सा सांस लेने दो, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है मेरे लिए ये सब ना। मेरा स्विग का कार्ड देखो, वैसे मैंने अपना नेम भी इसमें ना लाइक वो करवा लिया, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर ये नेम क्यों लिखा है भाई, यहाँ खाली स्पेस है, इतना सारा वहाँ लिख देते, अभी दिख भी नहीं रहा था। पहला सुविनियर करेक्ट कर लिया, वैसे मैंने इसे घर लेके जाऊँगा।
मैंने अपनी पहली परचेज़ करी और वो भी गलत। दुनिया भर के मास्क का पैकेट ले लिया मैंने, एक मास्क नहीं लिया, मुझे लगा मोटा वाला मास्क होगा वो, नहीं ये छोटे छोटे वाले बहुत सारे ले लिए मैंने। ला भाई गलतियाँ तो होती रहती है, एटलीस्ट मास्क मिल गया। अब जी आर पास लेने चलते हैं भाई, उसके बाद घर, आई मीन होटल चलते हैं। Eventually. भाई सब कुछ पहली बार करना तो बहुत ओवरवेलमिंग है सच में, लेकिन इन दी एंड मेरे को मेरा जी आर पास मिल गया, उन्होंने बोला खोना नहीं है ये। मैंने कर दिखाया, ये इट्स नॉट दैट हार्ड भाई, होटल पहुंच जाओ मैं खो ना जाओ। बहुत अजीब सा लग रहा है, पहली बार है ना, लेकिन इट्स ओके। आई थिंक यही वाली अपनी ट्रेन है भाई, नरिता एक्सप्रेस भाई। 4D ये सीट का कैसे पता चला? अच्छा 4D ये रही। ए विंडो सीट, लेट्स गो। ये वेरी सीट भाई, अब यहाँ पे कोई आ गया ना पिटेगा मैं इसको। यहाँ रख देते हैं भाई। आई एम 100% श्योर मैं सही जगह बैठा हूँ, अगर मैं कहीं गलत पहुँच गया ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये है मेन दरवाज़ा, ये है मेरा रूम। काफ़ी कंजेस्टेड टाइप है, लेकिन जितना एक बंदे को चाहिए आई थिंक मोर देन इनफ। आई हैव माई ओन प्राइवेट बाथरूम। अभी पता है क्या हुआ, इन्होंने मेरे को नीचे बुलाया और बोला कि पेमेंट पहले करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना डेबिट कार्ड दे दिया भाई, पेमेंट ही नहीं हो रही। दो डेबिट कार्ड है मेरे पास, दोनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैंने कहा भाई ब्लॉक ब्लॉक कर दिए होंगे, बाहर की ट्रांजेक्शन हुई है तो पास की फैमिली मार्ट पे ATM पे चला गया, वहाँ से विड्रॉ हो गए। तो मेरे ख्याल से इनकी मशीन में दिक्कत है, मैं एक घंटे से लगा पड़ा हूँ। अब मैंने कैश में ही पेमेंट कर दी, मैंने कहा यार तुम कैश ले लो अगर ये कैश निकल गए तो। अब देखो ये छुट्टे बचे हैं, ये कुछ सिक्के बचे हैं, एक येन पता भी नहीं है भाई, देखना पड़ेगा इंटरनेट पे। बहुत ही डिफरेंट वाइब आ रही है, मैं बहुत आउट ऑफ द प्लेस फील कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है आसपास, दूर दूर तक बहुत कम लोग दिख रहे हैं, एक दो चलता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे, और सब कुछ एक्सपेंसिव सा लग रहा है, सब कुछ शाइन मार रहा है सब कुछ। मेरे पास 7 दिन है यहाँ पे इस वाले होटल में, उसके बाद हम क्योतो जाएंगे। पहले तो सॉर्ट आउट करूँ, इतने दुनिया भर के तो पेपर दे दिए इन्होंने मेरे को, तो वो थोड़े से जो घटिया घटिया है आलतू फालतू का, एंड मैं कैश और निकालूंगा भाई, ये कार्ड अगर काम ना करा तो गड़बड़ हो जाएगी। वेल मैं तुम लोगों को रूम दिखा रहा था, टूर पूरा कर देते हैं। ये रहा मेरा बेड, ये एक छोटा सा टेबल है, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, टीवी है, कौन देख रहा है इसे। ये एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर, व्यू वेल कुछ खास तो नहीं, बिल्डिंग वगैरह है बस। वो देखो एक स्लांटेड बिल्डिंग दिख रही है, वो काफ़ी कूल लग रही है। प्राइवेट बाथरूम है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। इस होटल की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बिडेट नहीं है, बाथटब है, इसमें नहाएंगे भाई, फ्रेश तो होना है, हालत से ख़राब हो रखी है। ओ वेट इसमें है, डैम ओके नाइस। डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें नहीं था, अरे ये तो अच्छी बात है फिर। पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद घर पे एक कॉल मारता हूँ, एंड देन देखते हैं बाहर चलेंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे। चलो भाई थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यार, कब तक मैं अगर वहाँ पड़ा रहा ना तो सो जाऊँगा। मेरा मास्क लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर ये सारे मास्क लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं आउट ऑफ प्लेस फील करूँगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और मानना पड़ेगा यार जापान बहुत क्लीन है, सड़कें देखो। सब कुछ कितना क्लीन है, ये पार्किंग देखो, पार्किंग है, भीड़ कितनी कम है, दूर दूर तक बंदे ही नहीं है, एक दो कार दिखती है। हाँ मैं खैर पॉपुलर प्लेस में भी नहीं हूँ, बट स्टिल पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को मैप देखना चाहिए। चल तो दिया मैं। जापान में ना हर चीज़ देखने वाली है, 15 दिन आए हो, क्या डिसाइड करोगे कहाँ जाओगे, इतना ओवरवेलम हो जाते हो ना तुम सारी चीज़ों से, स्पेशली लैंग्वेज बैरियर है, बेसिक वर्ड्स भी आते होंगे तो भी जब वो बोलेंगे ना ना भाई सब सर के ऊपर से जाता है। ये वाइब देखो, मेरे को तो ये वाइब भी इतनी पसंद आ रही है, जहाँ पे लोग नहीं होते ना, जहाँ पे इतने कम लोग होते हैं, मुझे तो वैसी पसंद आ जाती है वो जगह। मेरे को रामन दिखाना मैं तो टूट पड़ूंगा, जापान आए और रामन नहीं खाया। वेंडिंग मशीन जो जापान में बहुत सारी मिलती हैं, कुछ लेना चाहिए मेरे को, मेरी पहली परचेज होगी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वैरायटी कितनी है या कुछ समझ कैसे आए क्या लेना, मेरे को तो कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, 3 तो कॉफ़ी हैं इसमें। ये डॉल्स देखो, सुवेनियर के लिए जाना कितना अच्छा रहेगा, क्या क्यूट लग रही है भाई। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये बहुत बड़ी कैसल है, देखो कैसल ही है ना ये, इन्हें कैसल ही बोलते हैं। यहाँ पे ऐसी कैसल्स ना
ऐसे ये पॉइंटी बहुत सारी हैं। जब मैं ट्रेन से यहाँ पे आ रहा था तब भी मैंने बहुत सारी देखी थी। बढ़िया है, अंदर से जाके देखनी चाहिए मेरे को। एंट्री थी इसकी वहाँ से पर मैं आगे आ गया। भाई यहाँ तो देखो भाई ढोल वोल हैं यार। ये कितना प्यारा लग रहा है, ये गोल्ड का, और वो वाला स्पेशली बड़े वाला, ये भी लटके हुए कितने सही लगते हैं दिवाली की तरह। ये डरुमा डॉल्स ही नहीं बोलते हैं, ये ले जानी है मेरे को। या मेरे पे ध्यान मत दो, मेरे को सब कुछ ले जाना है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा ये मास्क लेने का मन है, कोई एक अच्छा लग रहा है स्पेशली वो बीच वाला। बट ये मेरे को मेले मूले में से लेने चाहिए। नहीं 121 लाख येन, नहीं ओ बेटे 1,21,000 येन का मास्क है वो, इतना महंगा है, ऐसा क्या है उसमें भाई। ये महंगी शॉप है, मैं कट रहा हूँ यहाँ से। डीलक्स सुशी 5,000 येन। ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं ना कीप अप नहीं कर पा रहा, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस स्ट्रीट की वाइब्स देखो, आहा रात को क्या मज़ा आएगा इस स्ट्रीट पे चलने में, जब ये लाइटें सी जल जाएंगी, लाइट लाइट रात को बहुत बढ़िया लगेगा। ये भीड़ देखो, ये है सेंसो जी का रास्ता, पहुंच गए हम। वाह भाई ये देखो भाई, वो देख रहे हो गोल्डन जो भी है, कितना बढ़िया लग रहा है। मजाक नहीं करूंगा, इस मार्केट में ना ऐसी स्मेल आ रही है जैसे प्लेन के खाने में आती है। भाई बहुत भीड़ है और 10-10 लैंग्वेज मेरे को सुनाई दे रही है। वो आई थिंक वो मेन टेंपल है, उस पर इतनी वो लग रही है लाइन। चोखा बड़ा ये और घने सारे हैं। एक चीज का नहीं पता क्या करना है मेरे को और कहाँ से शुरू करना चाहिए, एक गाइड चाहिए मेरे को यहाँ पे। भाई इसे देखो जरा, ये कितना बड़ा है, मैंने इसकी 2 फोटो देखी थी और ऐसे मेरे को 5 दिख गए। अभी तो मेन आगे है और ये तो फिर भी एंट्री है, वो मेन है। इतना ज्यादा लाइक हैवी पना हो गया है यहाँ पे कि मेरे को व्लॉग तक करना नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ भाई। अरे यहाँ भी उपले जला रखे हैं क्या, देखो जरा क्या सीन है। मैं भी आके यार, भाई मेरे को भी जोड़ो अपने ग्रुप में, क्या चल रहा है यहाँ। कैमरे में शायद दिख जाए। ये देखो यहाँ पे ना आई थिंक ये विशेस निकाल रहे हैं, वो कहते हैं ना गुड लक वगैरह ये सब। ये देखो विशेस बांधी हुई हैं, जिसका बैड लक आता है मैंने सुना है वो ये बांधता है। देखो मैं ट्रांसलेटर यूज कर रहा हूँ अब, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ क्या करना है मेरे को। अरे आसान है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरे को 100 येन चाहिए भाई, वो है ही नहीं। कुछ खाना पड़ेगा अब तो। मैं तुम्हें ऑनेस्ट फीलिंग बताऊँ अपनी, साथ में कोई हो ना अपनी लैंग्वेज में बात करने वाला तो ज्यादा मजा आए एक्सपीरियंस जैसे शेयर करने में, क्या चल क्या रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ अब वो सारी बातें अगर ब्लॉग में बोलने लगा तो सेंसो जी टेम्पल पे ही 3 ब्लॉग बन जाएंगे। भाई ये जो 100% फ्रूट जूस है ना, ये लेने की सोच रहा हूँ मैं, 200 येन का है। यहाँ पे 1,000 येन लिखा है, मेरे ख्याल से इसमें मैं अगर नोट डालूँ तो लाइक खुले मिल सकते हैं मेरे को। ट्राई करें भाई, ट्राई करते हैं ये। कैसे भाई कैसे करते कैसे है? चेंज भी आ गए भाई, कॉइन मिल गए मेरे को, लेट्स गो। अभी मेरे पास 100 येन है, हम भी कर सकते हैं वो जो लोग कर रहे हैं। फाइनली आई विल बी अ पार्ट ऑफ द जापानीज कल्चर, लेट्स गो। पहले सोच रहा हूँ ये पी लूँ यार, अब लिया ही है तो है, ठंडा ठंडा सा है। अब क्या है ये, आए हाय पीच का जूस लग रहा है। ये जूस 200 येन का था, आए हाय नॉट वर्थ इट। कहाँ गई वो भाई, निकालते हैं हम भी यार, लूट रखा है भाई जगह को तो। भीड़ देखो कितनी है, कहाँ मैं कहाँ जाऊँ। ये जो है ना इन पे नंबर्स लिखे हुए हैं और ये जो ये हिला रहे हैं ना, इसमें से स्टिक निकलती है एक, वो स्टिक से नंबर मैच करके इसमें से वो पेपर निकलेगा और उसमें तुम्हें देखना है वो गुड लक है या नहीं, ऐसा ही कुछ है, आई एम नॉट श्योर। इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं तो या सेम ही होता है, बस वो तुम्हारे नंबर पे है कौन सा नंबर निकलेगा। मैं भी करके देखता हूँ भाई, मुझे आई थिंक 5 मिला है। वो नहीं 9 है ये, क्यू आई थिंक। Got it, पढ़ते हैं जरा इसे। आई एम प्रीटी श्योर मैं अंधा नहीं हूँ, बेस्ट फॉर्च्यून फर्स्ट ट्राई में। हेलो, फर्स्ट ट्राई में बेस्ट फॉर्च्यून निकाला मैंने, और क्या चाहिए, सक्सेसफुल हो गई ये ट्रिप। मेकिंग अ ट्रिप इज ऑल राइट, आई एम ऑन अ ट्रिप। ये तो लाइक परफेक्ट नहीं हो गया भाई, इसे तो इंस्टा पे डालना पड़ेगा।
अरे ये धुआं पता है कैसे आ रहा है, ये लोग स्टिक्स जला रहे हैं। तुम्हें पता है मैं करने वाला हूँ ये। अरे तो घर की याद आ गई। करते कैसे हैं पर? तुरी ओवर का धुआं, लेकिन मजा आ गया ये करके। घर की याद आ गई भाई। यहाँ पर ये लोग अगरबत्तियों से कर रहे हैं, हम लोग उपलों से करते हैं। भाई ये देखो तुम, ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये बड़ा डमरूजा। फोटोज में वो फील नहीं आती, लेकिन तुम खुद देखो ना तो बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें। वो देखो ना बैकग्राउंड में कितना सही लग रहा है। हमारी प्रेयर होती है ना, जैसे मंदिरों में जो पंडित करते रहते हैं, बिल्कुल सेम वही लग रहा है। सुनो मैं थोड़ा और पास जाता हूँ, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा हो तो। बिल्कुल वही फील आ रही है, तरीके डिफरेंट है पर वाइब्स सेम ही है। भाई ये क्रैब बेक रहे हैं यहाँ। क्रैब ले रहा हूँ भाई, सोया सॉस वाला, देखते हैं कैसा लगता है। ये जिंदगी में पहली बार है जब मैं क्रैब खा रहा हूँ। ये ना ऐसा लग रहा है मैंने ये खाया हुआ है पहले। थोड़ा थोड़ा ना मोमोज वाली फील आ रही है मेरे को, बुरे नहीं है। पता क्या, ये है नॉन वेज लेकिन खा के लग नहीं रहा मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई सब्जी वब्जी खा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल वही फील आ रही है। इसमें तीन पीस आए थे, एक ही पीस बहुत था, अब ये दूसरे का मन नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस अच्छा था पर दोबारा नहीं खाऊंगा। ये देखो पॉन्ड इतना प्यारा। अरे मछलियां भी, हेलो। ये जो लक निकालने वाले हर जगह ही है ये। अरे ये देखो तुम, कोई चोखी मोटी मोटी। यार ये तो वो मूवी पार्ट रही है कि मैं देऊंगा उसे कुछ, नहीं मेरे पास नहीं है कुछ भी, सॉरी। अभी तो हॉट है और बनाना ला भाई, बनाना है लिटरली, है केले के ऊपर चॉकलेट वॉकलेट से चढ़ा के दे दी बस। बहुत अजीब लग रहा है यार, अब मैं चॉकलेट का मजा लूँ या बनाना का। अरे क्या तो भाई मैं बताऊँ, मैंने ये ले लिया गलत, क्योंकि इसमें से पता है बिल्कुल वो वाली स्मेल आ रही जो वैद्य की दवाई होती है ना। मैं जानबूझ के रोस्ट नहीं कर रहा इन्हें, ये सही में ऐसे ही स्मेल कर रही है। वो जड़ी बूटियाँ बना के वो दवाई से नहीं बनाए थे लिटरली भाई ये। भैया भाई मैंने दवाई खाई हुई है, मेरे से तो ये पूरा खाया भी नहीं जाएगा। शिट भाई, झूठ क्या बोलना, उसे तो मैंने फेंक दिया, मेरे को तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली कि मैं दोबारा खाऊं उसे। लोगों के बैड लक निकल रहे हैं भाई, बांधने लग रहे हैं वो। हम तो बेस्ट फॉर्च्यून लेके घूम रहे हैं, टेंशन क्या है। ये बिल्डिंगों पे सनसेट देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, क्या शेड सी पड़ रही है धूप की, अच्छा लग रहा है, मस्त। जापान का सब कुछ ऐसे सेट है ना कि नेचर उसे अपने आप ब्यूटीफुल बना देता है। और देखो ये ना लिटरली इतनी भीड़ भाड़ है, यहाँ सब कुछ है और फिर भी क्लीन देखो कितना है सब कुछ। लिटरली कहीं भी कोई भी कूड़ा वूड़ा कुछ दिख रहा है दूर दूर तक, एकदम क्लीन। तमीज़दार बंदे हैं सारे भाई, डस्टबिन इतनी जल्दी मिलते भी नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन सब रख लेते हैं अपनी जेब में। अरे देखो यहाँ पे भी मदारी है, वो देखो खेल दिखा रहा है अपने वो मंकी पेट को लेके। शेड देखो, फिर मंदिर देखो, फिर खेल देखो, चारों तरफ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो ये रिक्शा, ये भी घुमा सकते हैं तुम्हें। ये सनसेट देखो जरा भाई, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई नेचर साथ दे रही है जापान का, ये वैसे ही इतना ब्यूटीफुल है, ऊपर से नेचर ने फुल सपोर्ट दिया हुआ है। पीछे से देखो क्या प्यारा लग रहा है भाई, ये क्या बैकग्राउंड है। सही है, निकलते निकलते ये भी देख लिया भाई। वैसे अगर तुम जापान में रह रहे हो तो एक तो इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ऊपर से तुम वॉक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टैक्सी वगैरह ये तो दुनिया भर की बहुत महंगी है, लेकिन ट्रेन सिस्टम यहाँ का इतना बढ़िया है कि तुम वॉक कर करके स्टेशन तक जाओगे भाई, फिटनेस तो ऐसी बनी रहेगी। अभी हम सामने जाके ये रेड लाइट क्रॉस करेंगे, गाड़ियाँ चलने लग गई। बड़ा सही तरीका है यार, सब कुछ इतना मैनेज लगता है ना। मशीन वाली फीलिंग तो आती है कि सब मशीन बने हुए हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज लगता है, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है सब कुछ। सब लोगों को स्टार्टिंग से ऐसे ही सिखाया जा रहा है तो ऐसे ही बड़े हो रहे हैं ये। ये देखो वो बिल्डिंग पे शेड देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ भाई नेचर का फुल सपोर्ट है जापान को। और वो है वो टोक्यो स्काई ट्री जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ऊपर ऑब्जर्वेटरी है, ऊपर से पूरा टोक्यो दिखता है। ये देखो रिवर, ये आई थिंक सुमिदा रिवर है, बिकॉज़ यहाँ पे इस साइड को आगे जाके ना
एक और होटल है जो मैं पहले लेने वाला था। रिवर का व्यू बढ़िया दिखता है उससे। ये देखो कितना अच्छा व्यू है। ये देखो भाई ये जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। लाइक क्या मजा आ जाए भाई, सुबह सुबह उठो इस पे दौड़ मार रहे हो तुम, बढ़िया रिवर बह रही है साइड में। भाई पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा लेकिन ये व्यू रियल लाइफ से देखने का मजा ही कुछ और है। बहुत प्यारा लग रहा है ये तो। ऊपर से सनसेट हो रखा है, स्काई देखो कितनी बढ़िया हो रखी है, और अभी जब लाइटें चमक जाएंगी तो वहाँ जाएंगे। वो देखो ये अकेले ही चिल कर रही है। फ्रेंड्स कहाँ है बे तेरे? ऐसे नदी किनारे वॉक करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये है मेरा वॉकिंग पाथ अभी के लिए। कितना सही लग रहा है यार, क्या वाइब्स आ रही हैं भाई। ये क्या है, युमी कात्सुराज। ये देखो लॉक्स लगा रखे हैं, प्यार की निशानियाँ। ओह द व्यू भाई, ये व्यू ये वॉक मेरे को बेस्ट फॉर्च्यून ना लिटरली मिला है भाई। उसका कोई मीनिंग है, उसमें लिखा हुआ है ना तुम्हारी ट्रिप अच्छी जाएगी। ये देखो अब तो वो जो नर्वसनेस हैवीपन था ना वो सब हट गया, अब तो मैं चिल कर रहा हूँ बिल्कुल मस्त। मेरे पीछे दो इंडियंस और थे, वो भी यही बोल रहे हैं व्यू देख जरा कितना बढ़िया है। दो तीन मिले हैं मेरे को ट्रिप पे। किस रीज़न के लिए ये शीशा दिया हुआ है? क्यों, इनको पता था कि मैं यहाँ आऊँगा, इनको पता है कि मेरे को एक्रोफोबिया है। हाइट तो खैर है नहीं पर फिर भी भाई ड्राउनिंग से भी ना ना ना, ये सारी चीज़ें डरावनी है। पता है जापान का ना फैट परसेंटेज इसीलिए कम है, मैं इसकी वॉक ही इतना करते हैं, वो दुनिया भर के तो पुल से बना रखे हैं उन्होंने, तो पतले क्यों नहीं रहेंगे भाई। ये आवाज़ देखो ये करते हुए जा रही। मैं कह रहा पता नहीं क्या हो गया पुल पे, मैं अभी तो उतरा ही हूँ। ओहो वाइब्स भाई, पास से तो ये और भी मैसिव लगता है। देखो ज़रा मज़ा आएगा, ऊपर से टोक्यो को देखने में मज़ा आएगा। अरे यहाँ कैसी पार्टी चल रही है, क्रिसमस। ओबे भाई ये देखो ये क्या कर रखा है, मस्त लग रही है जो भी है। कलर्स के बीच में फायर ब्रिगेड जा रही है भाई। अरे यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, पर क्रिसमस वाली वाइब्स आ रही हैं पूरी पूरी। वो देखो फाइनल एंट्रेंस, उन्होंने बोली 8 बजे तक घुसा देंगे, अभी तो 6 बजे हैं भाई। बाकी भीड़ का पता नहीं, दुनिया भर के लौंडे हों फिर तो मुश्किल हो जाएगा। पीछे एम्बुलेंस भी आ गई, यहाँ कौन फूट गया? अरे कुछ ना कुछ होने ही लग रहा है। ये बॉल सी लटका रखी है लाइट वाली, पहुँच गए हम हमारे इस पे। लाइट सी इतनी है, ऐसा लग रहा है क्रिसमस टाइम चल रहा है। ज़रा स्काई देखो, स्काई की तरफ तो मैं कह रहा हूँ जापान में कहीं भी मुड़ के देख लो ऐसी ही मिलेगी। प्यारा सा सनसेट दिखेगा भाई, 3 घंटे हो गए अभी तक सनसेट ही ना हुआ इनका पूरा। और क्लाउड्स देखो, मैं कह रहा हूँ भाई ये नेचर फुल सपोर्ट कर रही है, और बाकी ये जो कसर रह जाती है ना वो ऐसी लाइट लगा के पूरी कर देते हैं। टिकट खरीदने जा रहा हूँ अभी भाई, बाहर बहुत ठंड थी, यहाँ तो हीटर से चला रखा पूरी गर्मी सी कर रखी है बढ़िया। भीड़ देखो भीड़ भीड़। टिकट्स तो खरीद ली, अभी टोक्यो स्काई ट्री ऑब्जर्वेशन डेक, हियर वी गो। भाई आ गए हम टॉप पे। ये अरे भाई सारा व्यू तो घेर ही रखा है, कहाँ पे खड़े हुए हैं मैं दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन ये जो एलिवेटर था ना ये बहुत स्पीड से तुम्हें 350 मीटर ऊपर लाता है। मेरी कॉम्बो टिकट है तो मैं थोड़ा और ऊपर जा सकता हूँ 450 मीटर तक, लेकिन अभी ये वाला व्यू इंजॉय करते हैं। अरे भाई बहुत सही लग रहा है यार, ये तो जगह ही ना मिल रही पर। ओ गॉड मेरा एक्रोफोबिया, हालत ख़राब। व्यू तो बहुत प्यारा है भाई, पूरी सिटी दिख रही है। या रात को इतना फील नहीं है, आई मीन कैमरे में फील नहीं है, लेकिन इन रियल लाइफ आंखों से देखने में अलग ही मज़ा है। या लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब मैं इतना ऊपर कहीं खड़ा हूँ। अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जाने वाले हैं। अबे ले ये तो वैसे ही लग रहा है। पता नहीं मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ऊपर ही जाता जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ ऊपर का इनके टावर का बल्ब आज मैं ही चेंज करूँगा। बार बार सेम व्यू ना वैसे बोरिंग होने लग जाता है। What the hell is this? ये तो बढ़िया लग रहा है यार, क्या सीन क्या है? अपनी बारी आ गई भाई, देखें क्या है यहाँ। Whoa! Infinite reflection. बढ़िया है ये चीज़ यार,
फोटोज अच्छी आई वहाँ पे, सही है, चला गया मैं। ये पूरी सिटी का एक हिस्सा है, ये पूरा गोल में है ऐसे, और मैंने इस सिटी की चंद गलियाँ नापी हैं आज बस। कितनी बड़ी सिटी है, और सिर्फ टोक्यो की बात कर रहा हूँ मैं, जापान की दुनिया बहुत बड़ी है भाई। ओ भाई मान भाई, ये तो डरावना है भाई, ये तो पूरा नीचे जा रहा है। ये जगह देखो भाई, मैं कहाँ खो गया, पता नहीं मेरे को एग्जिट नहीं मिल रहा। पर यहाँ पे और कुछ नहीं, पैसों की खुशबू आ रही है बस, दुनिया भर की एक्सपेंसिव चीज़ें। मैं अभी ना एक मॉल से निकलता हूँ, दूसरे में आ जाता हूँ, पता नहीं ऐसे ही गोल गोल घूमने लग रहा हूँ, और शॉप्स ही आने लग रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। भाई बहुत सारा घूम फिर के, दुनिया भर की दुकानें देख के, इस स्काई ट्री की चार फ्लोरों पे तो दुकानें ही दुकानें हैं, और इन्होंने एग्जिट भी ऐसी रख रखी है कि एग्जिट करते ही तुम सारी दुकानें देखोगे पहले। अब देखो भाई, टोक्यो की स्ट्रीट्स हो गई हैं शांत, देखना गलियां एकदम शांत, लोग इन दिखाई दे रहे। खैर ये तो सिटी नहीं है, मेन सिटीज़ में तो अभी भी हाहाकार मच रहा है, अंदर मॉल्स में भी हाहाकार मच रहा है, बट ऐसे मेन रोडों पर नहीं है अब लोग। मेन स्टेशन वगैरह भी नहीं है ना यहाँ पे कोई, सारे रेलवे स्टेशन दूसरे साइड है। वैसे ये वेंडिंग मशीन ना बड़ी कमाल चीज़ है, नहीं एक तो हर जगह है, ऊपर से जब भी दिखती है ना तो ऐसा मन करता है कि कुछ ले लो, अभी ये उठाइए। ये एक तरह से स्कैम है, होकर भी नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि जब भी दिखती है कुछ ना कुछ लेने का मन करता है। ये देखो भाई, कोई नहीं सामने, कोई नहीं इधर, कोई नहीं मेरे पीछे, कोई नहीं, मैं अकेला ही चौड़ा होके घूम रहा हूँ। थैंक गॉड भाई यहाँ पे कुत्ते उत्ते ऐसे नहीं घूमते स्ट्रीट वाले, मेरी तो हेल्थ ख़राब हो जाती, कुत्तों से तो वैसे ही ड्रामा। यहाँ पे अभी कोई नहीं है, क्रॉस कर लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोलेगा। अबे भाई मिस हो गया, गया कहाँ चला गया मेरा होटल, देखना कितनी वेंडिंग मशीन, बहुत वेंडिंग मशीन दिखी है मेरे को, मतलब ये है 100 तो दिखी गई होंगी। 2 बज रहे थे जब मैं ये सारे मामलों में फंसा हुआ था होटल तक आया, मुझे नहीं लगा था मैं स्काई ट्री और सेंसोजी टेंपल दोनों कवर कर लूँगा। अब कल शिबुया और शिंजुकू सिटी घूमेंगे, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, और कल पूरा दिन वहीं लगाएंगे, मार्केट वगैरह देखेंगे और देखते हैं क्या मिलता है हमें। वाह भाई देखो मेरे को, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने होटल को क्रॉस करके राउंड ट्रिप मारा है, अब दोबारा उसी रोड पे हूँ। क्या भाई वो दिखाई नहीं यार, वो पहचान सा आया ही नहीं मेरे को गेट। मैं बेटा ऐसे राउंड चक्कर मारता रहूँ ना, कोई पक्का पकड़ लेगा कि तू बहुत सस्पिशियस लग रहा है भाई। ये वाइब्स अलग ही मज़ेदार है भाई, शहर में कम लोगों के बीच में ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ मैं, बढ़िया नाइट वॉक हो रही है। मैं ये व्लॉग्स लंबे रखूँगा बिकॉज जापान आया हुआ हूँ यार, यहाँ तो हर चीज़ देखने वाली है, तो वाई नॉट। देखो यहाँ पर ये भी है लटकने का, लटक वटक सकते हैं, वो करते हैं ना माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस। भाई मैं ना गोल गोल घूम रहा हूँ, यहीं तो था अभी तो दिखा था, कहाँ चला गया। अबे ये रहा भाई, ये दिखता क्यों नहीं मेरे को, ये लगाते हैं यहाँ, अबे ये लगाना पड़ेगा भाई। चेहरा देखो क्या काला काला सा हो गया, डस्ट में हो रहा है। अब भाई नहाऊंगा, तमीज से फ्रेश होऊंगा। वेलकम होम। आज भाई स्टार्टिंग में हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, सही बताऊँ तो दोपहर में ना बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मामला, और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ, बट हो गया बस, धीरे 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 ना मैं खुल गया और जो करना था वो सब किया। ये था डे वन का व्लॉग, मेरा पहला एक्सपीरियंस जापान का, बाकी 14 दिन और बचे हैं और काफ़ी जगहें हैं मेरे माइंड में, तो उन्हें भी नापेंगे। कल जाएंगे शिबुया और शिंजुकू सिटी, देखते हैं वहाँ पे क्या है। आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय किया है लीव अ लाइक, और मैं चला।